नमस्कार, पंजाबकेसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विदेशी कामगारों की संख्या घटाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने अपनी अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम यानी TFWP में संशोधन किया है। इसके तहत अब कनाडा में कम वेतन व अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या घटकर कुल आबादी का 5% हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर कनाडा में पढ़ाई के दौरान छोटी मोटी नौकरियां करने वाले विदेशी छात्रों पर होगा। इनमें भारतीय छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये छात्र कनाडा की महंगाई को झेलने के लिए अपनी पढ़ाई से इतर नौकरी भी करते हैं। विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि ट्रूडो सरकार के इस फैसले से अप्रवासियों और युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ेगी। TFWP संशोधन 26 सितंबर से लागू होगा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम कनाडा में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी श्रमिकों की संख्या कम कर रहे हैं। श्रम बाजार बदल गया है, अब समय आ गया है कि हमारे कारोबारी कनाडाई श्रमिकों और युवाओं पर निवेश करें। वहीं आवर्जन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में अस्थायी निवासियों को 6.2% से घटाकर कुल जनसंख्या का 5% करना चाहती है। इससे कनाडा के 25 लाख अस्थायी निवासियों से लगभग 20% की कटौती हो जाएगी। मिलर ने ओटावा में संवाददाताओं से कहा कि हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देश में प्रवेश करने वाले अस्थायी निवासियों की संख्या एक स्थायी स्तर पर हो। आपको बता दें कि नए नियमों के तहत कम वेतन वाली अस्थायी नौकरियों के लिए परमिट 2 साल से घटाकर केवल 1 साल कर दिया जाएगा। इससे काम पर रखे जा सकने वाले अस्थायी विदेशी श्रमिकों की हिस्सेदारी 20% से घटकर 10% पर आ जाएगी। जानकारी के मुताबिक नए अस्थायी विदेशी कर्मचारी नियम 26 सितंबर से लागू होंगे। इस नियम का बड़ा असर भारतीयों पर भी पड़ेगा, क्योंकि कनाडा में विदेशियों में सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है। कनाडा के पीएम की ओर से ये घोषणा ऐसे वक्त की गई है जब जुलाई में कनाडा में बेरोजगारी दर 30 महीने के उच्चतम स्तर 6.4% पर पहुंच गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि कनाडा में बेरोजगारी दर लगातार ऊपर की ओर जा रही है। सांख्यिकी एजेंसी ने युवाओं और अधिक उम्र के पुरुषों के बीच बढ़ती बेरोजगारी सहित संकेतों का हवाला देते हुए कहा कि नौकरी ढूंढना कठिन होता जा रहा है। जून महीने में युवाओं की बेरोजगारी दर 0.9% अंक बढ़कर 13.5% हो गई, जो महामारी के बाहर सितंबर 2014 के बाद से सबसे अधिक थी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।